Namaskar, welcome to Mathverse. Mathverse means mathematics and universe together, Mathverse. Now, welcome again to the problem solving series of UPSC CS optional mathematics paper. And now I am dealing with linear algebra. Linear algebra comes in paper 1. Okay. Now, actually, I was about to prepare a series on problem solution of this exam, UPSC CS. But what happened? One of my Hindi-speaking friend yesterday, he insisted me to make this series quicker. He asked me to make the videos more quick, like more frequent. So that he's preparing for UPSC, Londe ko DM banna hai. So that's why he asked me. And for that reason, and he has said me to make it in Hindi. And for that reason, I am making this one in Hindi. But my friends, those who doesn't understand Hindi that much well, so I am saying them, don't be scared of this. I am not going to use any technical term of Hindi. Okay. The way of demonstration or the language of demonstration will be only Hindi. Okay, so let's start it. So, ये बात है कि linear algebra के जो questions आते हैं ना UPSC CS के optional math के paper में लगभग 50 marks तो हर साल आ ही जाता है. यानी कि एक paper के 1/5 marks आ जाता है सिर्फ ये linear algebra से. और गजब की बात है ये UPSC 2017 इसमें जो हुआ था ना जो मैंने जब ये वाले क्वेश्चन जब कलेक्ट कर रहा था तो मैंने देखा इसमें 70 मार्क्स आया था लीनियर अलजेब्रा से. तो ये देखता हूं कि मैं YouTube में देखता हूं हर वक्त कभी कभार देखता हूं कि ये 250 टोटल जो 300 मतलब 500 का जो टोटल ऑप्शनल पेपर्स होते हैं तो इसके लिए बहुत मतलब रिस्पेक्टफुल कुछ टीचर्स हैं जो कि ये बताते हैं कि स्पेशल स्ट्रेटजी इज टू स्कोर मोर देन 350 आउट ऑफ 500. तो मुझे लगता है कि मतलब मैं आई एम नॉट एनी यूपीएससी स्पेशलिस्ट बट दोस गाइस आर सो व्हेन दे आर सेइंग कि ये 500 मार्क्स की पेपर है इसमें अगर 350 आ जाता है यानी कि 70% ये अगर आ जाता है ना तो दैट्स इनफ. तो मेरे हिसाब से अगर किसी पर्टिकुलर एक टॉपिक ये 350 में से अगर 70 दे देता है सो आई थिंक दैट ये मतलब एक बहुत बड़ा डील हो गया. ठीक है तो गाइस प्रिपेयर फॉर दिस लिनियर अलजेब्रा वेल. और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि इस पेपर से मैं देखा जो कि मतलब क्या कहते वो बहुत स्पार्कलिंग टाइप का ठीक है कि ये देखा मैं इस बुक से कई सारे क्वेश्चन डायरेक्ट एज इट इज उठा लिया गया है विदाउट मेकिंग एनी चेंज ये क्वेश्चंस उठा लिए गए हैं. ठीक है तो इस बुक स्कॉम्स के जो आउटलाइंस होते हैं उसके लिनियर अलजेब्रा जो बुक है इतना सा बुक है इतना बड़ा सा बुक है बहुत अच्छा बुक है उसमें प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है. तो वो वाला बुक से कई सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं यहाँ पे जैसे मैं देख रहा हूं शायद यहां से एक दो तीन क्वेश्चंस तो आ ही चुके हैं. ठीक है और जो क्वेश्चंस उसके एज इट इज नहीं है वो भी अगर किसी ने वो वाला बुक कंप्लीट कर लिया ना तो उससे हो जाएगा. वैसे मुझे पता नहीं कि दिखाना चाहिए भी नहीं लेकिन मैं सबके रेफरेंस के लिए दिखा रहा हूं इस बुक को. ये वाला बुक है ठीक है स्कॉम सीरीज का बहुत बढ़िया बुक है. कोई ऐसा मत सोच लेना कि मेरे साथ कोई मतलब ऐसे कुछ लेन देन वाला चीज है नहीं मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूं तो मैं बस ये दिखा है कि ये बुक दिखता ऐसा है. ओके सो बिना किसी टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट इट. जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था वो ये कह रहा है कि ये क्वेश्चन आप देख ही सकते हैं यहाँ पे वो ये बोल रहा है कि अगर ये जो हमारा है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ये बोल ही रहा है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ये बताया जा रहा है. अगर ये नहीं बताया होता ना देन वी शुड हैव टू यू नो फाइंड आउट द डिटरमिनेंट टू चेक वेदर इट इज नॉन सिंगुलर और नॉट. ओके तो बोल रहा है कि ऐसा कोई एक मैट्रिक्स पी ढूंढो कि पी इनवर्स ए पी ये डायगोनल मैट्रिक्स बने. सीधे शब्दों में इसका डायगोनलाइजेशन करना है. ठीक है तो चलिए करते हैं. तो हम जब भी ये डायगोनलाइजेशन करते हैं तो सबसे पहले हम इसका आइगन वैल्यूज निकालते हैं. ठीक है
जो कि ये निकालना उतना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है. पहले क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाना है. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जो डिटरमिनेंट है वो ये डायगोनल टर्म से कोई एक लैम्डा जो है वो हमें सबट्रैक्ट करना है. इस लैम्डा का ही एक इक्वेशन बनेगा, उसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहा जाएगा. तो ये हो गया मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, सॉरी इक्वल टू जीरो करना है, ये हो गया मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. अब चलिए इसको एक्सपेंड करते हैं. फर्स्ट वी एक्सपेंड दिस डिटरमिनेंट, तो ये बनेगा 6 - 3λ - 5λ और फिर ये प्लस लैम्डा स्क्वायर और इधर ये -2 = 0, यानी कि ये बनेगा लैम्डा स्क्वायर -5λ + 4 = 0. सीधे शब्दों में दिख रहा है ये 5λ - λ + 4 = 0 ये बन रहा है. तो फोर होना चाहिए, सॉरी, तो λ - 4 - 1 - 4 = 0. सो λ - 1 × λ - 4, यानी कि हमें क्या मिल रहा है, लैम्डा का वैल्यू या तो 1 है या 4 है. ठीक है, यानी कि हमारे आइगन वैल्यूज जो आए हैं वो 1 और 4 है. ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे ना, अब एक बात ध्यान रखना यहाँ पे कि ये आइगन वैल्यूज जो है वो डिस्टिंक्ट आ रहे हैं. ठीक है, अब हमें आइगन वेक्टर्स निकालने हैं. तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो पहला आइगन वेक्टर है वो कुछ ऐसा दिखता है, x1 x2, ठीक, इस फॉर्म का दिखता है. तो चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं कि यार क्या होता है. जिसको पता नहीं है कि आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो एक बात बता रहा हूं, ये अगर मेरा मैट्रिक्स ए है और मानिए आइगन वेक्टर मेरा कुछ एक्स है. ठीक है, एक्स का मतलब वो ऐसे कॉलम वेक्टर बनेगा, यानी कि कॉलम वाला एक मैट्रिक्स बनेगा. तो ये अगर मैं इक्वल टू वो, मतलब जिस आइगन वैल्यू के लिए हम आइगन वेक्टर ढूंढ रहे हैं वो वाला आइगन वैल्यू उसके साथ एक्स मल्टीप्लाई करके हम करें तो कुछ इक्वेशंस बनेंगे ऑब्वियसली मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के बाद. तो वो इक्वेशन सॉल्व करके एक्स के ये x1 x2 ये सब वैल्यू जो हमें मिलेगा उससे हम निकालते हैं आइगन वेक्टर. मुझे पता है कि ये ये मुश्किल होता है ऐसे एब्स्ट्रैक्टली बोलने में, लेकिन चलिए सबसे पहले हम ये 1 के लिए कोई आइगन वेक्टर ढूंढते हैं. ठीक है, तो उस हिसाब से क्या होना चाहिए, मेरा मैट्रिक्स ये है 2 2 1 3 और इधर x1 x2 ऐसे होना चाहिए. अब ये 1 × x1 x2 होना चाहिए क्योंकि मैं 1 के लिए आइगन वैल्यू 1 के लिए मैं आइगन वेक्टर ढूंढ रहा हूं. ठीक है, तो ये बन रहा है 2x1 + 2x2 x1 + 3x2 = x1 x2. ठीक है, तो रो हम क्या मतलब वो कंपेयर करेंगे. कंपेयर करने के बाद ये फर्स्ट इसको जो हम कंपेयर करें तो हमें क्या मिलेगा, x1 + 2x2 = 0 और इधर से x1 + 2x2 = 0, यानी कि हमें सेम ही मिल रहा है, मिलना ही चाहिए. तो इक्विवेलेंटली हम इसको ये कह सकते हैं कि इससे हमें मिल रहा है x1 = -2x2. ठीक है, तो हमें जो आइगन वेक्टर मिल रहा है जिसे कि हम ऐसे लिख रहे थे x1 x2, ऐसे हम जो लिख रहे थे ना, वो क्या बन रहा है अभी, एक्चुअली x1 = -2x2, सो -2x2 यहाँ x2. ठीक है, तो चलिए x2 को हम बाहर ले आते हैं तो ये -2 1 बन गया, यानी कि एक्चुअली जो मेरा वेक्टर है वो ये है, ये बस एक स्केलर इसके साथ मल्टीप्लाइड है. तो चलिए x2 को हम ऐसे लिख देते हैं, कोई एक मान लेते हैं कि कोई एक c1 है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो फर्स्ट आइगन वेक्टर हो गया विथ रिस्पेक्ट टू दिस 1 आइगन वैल्यू, उसे हम ऐसे v1 लिख सकते हैं. तो या फिर ऐसा ही करते हैं v1. तो ये मेरा बना -2 और 1. ठीक है, चलिए अब निकालते हैं दूसरा होगा. तो दूसरा जो होगा वो भी सिमिलरली फाइंड आउट करेंगे, तो 2 2 1 3. अब इसके लिए मैं मान लेता हूं कि मेरा आइगन वेक्टर कुछ y1 y2 है जो कि इक्वल होगा, ये 4 है आइगन वेक्टर, 4 है ये मेरा यहाँ पे, तो y1 y2. ठीक है, चलिए इसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो एक्चुअली ये 4 अंदर आ जाएगा. तो कंपेयर अगर हम यहाँ पे करेंगे ना, तो अच्छा ये मल्टीप्लीकेशन के बाद क्या होगा, 2y1 y2 y1 और ये 3y2, इसको हटा दीजिए. ठीक है, अब चलिए हम रो कंपेयर करते हैं. ठीक है, क्या होता है, तो ये बनेगा मेरा 2y2 = ये इस तरफ लेके जाए तो
Variable A 2y2 is equal to 2y1, sorry, 2y1, ठीक है, that is y1 is equal to y2, same, यहीं से इससे भी मिलेगा, तो मेरा यहाँ पे क्या होगा, आइगन वेक्टर क्या आएगा, बस obviously, अब हमें क्या ढूंढना है, हमें P inverse AP ये ढूंढना है, ठीक है, अच्छा मैंने A matrix को भी मैंने रद्द कर दिया, मेरा matrix A जो है 2 2 1 3, ये है मेरा ए मैट्रिक्स, ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करूंगा मैं, सबसे पहले मैं पी इनवर्स निकालूंगा, ठीक है, तो पी इनवर्स निकालने के प्रोसेस में क्या है, हम सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे और उसको एडजॉइंट, मतलब एडजॉइंट के हर एक एलिमेंट को डिटरमिनेंट से डिवाइड करेंगे, और इन अदर वर्ड्स पी इनवर्स मेरा जो होगा वो डिटरमिनेंट क्या है, -3, सो 1 by -3, इसके साथ एडजॉइंट है, अच्छा एक बात बताता हूं मैं, एडजॉइंट को कैसे इजीली फाइंड आउट करते हैं वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हूं, सो जिसको मतलब वो देखना है वो जाके देख ले, मैं यहाँ पे शॉर्टकट मेथड से ही करूंगा, क्या करते हैं हम शॉर्टकट मेथड पे, ये दो एलिमेंट्स को हम इंटरचेंज करते हैं और ये दोनों एलिमेंट्स का जो साइन है वो हम अल्टर करते हैं, लेकिन ये दोनों जो जहां पे है उसे वहीं पे रहने देते हैं, ठीक है, तो ये हो गया मेरा पी इनवर्स मेरा आ गया, ठीक है, अभी मैं 3 से इसको डिवाइड नहीं करूंगा, लेकिन मैं माइनस से सबको मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, तो इस माइनस को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है, अब तक मुझे पी इनवर्स मिला है, मुझे चाहिए क्या, पी इनवर्स ए पी, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले पी इनवर्स ए निकालूंगा, फिर उसके बाद पी निकालूंगा, अगर पी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, तो P इनवर्स A जो है सिंपली यहां पे अगर A से मल्टीप्लाई करें 2 2 1 3, तो ये आएगा 1 by 3 -1 2 1 -1 -2, और ये 3 यानी कि ये 1, ओके, फिर 2 और 2 4 2 और 6 8, ठीक है, इतना आ गया, तो ये था मेरा P इनवर्स A, अब इसके साथ में P मल्टीप्लाई करूंगा, P मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा -2 1 1 1, यानी 1 3 बाहर रहने दीजिए, 2 और 1 3, -1 + 1 0, -8 + 8 0, 4 और 8 12, यानी कि ये कितना बन रहा है अल्टीमेटली, मैं यहां ऊपर लिखता हूं, ये बन जाएगा, यहां से मैंने कि यहां पे ला करता हूं, ये बनेगा 1004, ये है मेरा मैट्रिक्स डी जो हमें चाहिए था, जो कि इक्वल टू है इसके साथ, ओके, तो यही है किसी मैट्रिक्स से डायगोनल मैट्रिक्स बनाने का प्रोसेस, तो मैं इसको लिख देता हूं, ठीक है, इस टोटल प्रोसेस को मैं लिख देता हूं, ये बेहतर रहेगा, तो ये प्रोसेस है कुछ ऐसा, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, सबसे पहले ये करना है आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करना है, दूसरा स्टेप क्या है, फॉर्म मैट्रिक्स से पी P by combining all eigenvectors column wise, ठीक है, तो जैसे ही हमें हमारा P मिल गया ना, P मिलने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, वो बाकी कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे, ठीक है, तो ये था इसका प्रोसेस, ऐसे ही इसको करना है, एंड आई थिंक कि ये बहुत इजी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा लेंथी है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है, ओके, दूसरा क्वेश्चन जो है ये क्या था, 2018 के पेपर में भी था और वो मैं सॉल्व भी किया था, तो उसमें लिखता हूं बस एक बार,
ये था कुछ ऐसा, ये क्वेश्चन इस बार 1B पे आया था. ये कहता है कि सिमिलर मैट्रिसेस का सेम कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल होगा. सिमिलर मैट्रिसेस का मतलब क्या है? अगर A और B सिमिलर मैट्रिसेस है तो कोई एक मैट्रिक्स मानिए R होगा, ताकि R inverse B R इक्वल टू A होगा. ठीक है, अगर ये होल्ड करता है तो A और B को हम सिमिलर मैट्रिक्स कहेंगे. लास्ट दिन भी यही प्रॉब्लम है सॉल्व किया था, फिर भी आज एक बार थोड़ा कर दूंगा मैं. बस मुझे क्या करना है, मुझे इसका दिखाना है कि इन दोनों का कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल सेम है. ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल जिस मैट्रिक्स से फॉर्म होता है पहले मैं उसको लेके आता हूँ यहाँ पे. ठीक है, तो ये हो गया मेरा कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स जिससे फॉर्म होता है. तो राइट साइड में अगर मुझे किसी तरह से ये मैं दिखा देता हूँ कि बी माइनस लैम्डा आई जो है वो और इसका डिटर्मिनेंट और इसका डिटर्मिनेंट सेम है तो मेरा काम खत्म. तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ ना, सब्ट्रैक्ट करता हूँ इधर से भी आर इनवर्स लैम्डा आई आर. इस साइड से मैं जब लैम्डा आई सब्ट्रैक्ट किया था तो इस साइड से लैम्डा आई सब्ट्रैक्ट करना ही था, लेकिन उसके साथ मैं आर इनवर्स और आर मल्टीप्लाई कर दिया. क्या है, लैम्डा तो स्केलर है वो तो बाहर आ जाएगा, लेकिन ये आर इनवर्स जब आई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आर इनवर्स ही लेके आएगा. अब ये आर इनवर्स और आर दोनों मिला के फिर अल्टीमेटली आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आएगा. ठीक है, तो कोई चेंज नहीं हुआ यहाँ पे. अब मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट से आर इनवर्स कॉमन ले लेता हूँ और राइट से आर कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास क्या रहेगा, बी माइनस लैम्डा आई. अब चलो डिटर्मिनेंट ले लिया जाए. अगर डिटर्मिनेंट हम ले लेंगे बोथ साइड ना, तो ये ए माइनस लैम्डा आई हो गया, ये इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आर इनवर्स into determinant of b minus lambda i into determinant of r. ठीक है, तो हमें पता है determinant of r inverse क्या होगा, 1 by determinant of r. तो ये अगर ये हमको हम इसको ये लिख दे कि 1 by determinant of r, तो ये दोनों gets cancelled out, तो ये इसका determinant जो है और इसका determinant जो है वो सेम हो गया, यानी कि characteristic polynomial भी सेम हो जाएगा. ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन था. अब तक 10 प्लस 10 20 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं. तो एग्जाम के टाइम ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा, मैक्सिमम 10 टू 15 मिनट्स. तो यानी कि 10 टू 15 मिनट्स में हमारा 20 मार्क्स का काम हो गया. ठीक है, नेचुरली क्या होता है, टाइम ज्यादा लेते हैं हम लोग, मार्क्स कम आते हैं, लेकिन यहाँ पे टाइम कम मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट जो एक क्वेश्चन है, अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम. नेक्स्ट प्रॉब्लम है एक्चुअली प्रॉब्लम नंबर 2.D. तो इस क्वेश्चन, अच्छा हाँ, इसी क्वेश्चन के बारे में एक्चुअली बोल रहा था. ये जो क्वेश्चन है ये जब मैं सॉल्व कर रहा था, मतलब यहाँ पे वीडियो बनाने से पहले कभी कभार एक बार सॉल्व कर लेता हूँ, जब मैं प्रॉब्लम देख के लगता है कि थोड़ा ट्रिकी टाइप का है या फिर ऐसा कुछ. तो जब मैं सॉल्व कर रहा था तो सॉल्व करते टाइम मुझे कुछ याद आया कि ये शायद मैंने कभी देखा है, पर्टिकुलर इस प्रॉब्लम के जो डिजिट्स भी दिए गए हैं ना वो मुझे याद आया कि मैंने कभी देखा है. और जैसे ही मैंने मतलब बुक खोला ना, स्वर्म सीरीज के बुक देखा, हाँ मतलब जो क्वेश्चन है वो सीधा उठाया गया है विदाउट एनी माइनर चेंज. तो बात ये है कि एक बुक एकदम पूरा मतलब घाटे लगा एक बुक का एकदम पूरा इसका रट डालो, प्रैक्टिस करके ना एकदम उसको प्रैक्टिस करके एकदम चूस लो एकदम, तो कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा. यही बात है. तो इस क्वेश्चन में क्या है, हमें दिया गया है एक, ये बोला गया है कि क्वेश्चन शायद यहाँ पे है, तो ये यू और डब्ल्यू जो डिस्टिंक्ट सबस्पेसेस है एक वी वेक्टर स्पेस का. तो ये बोला गया है जो v मेन वेक्टर स्पेस है उसका डायमेंशन है 6 और इसके जो दो डिस्टिंक्ट सबस्पेस है, डिस्टिंक्ट सबस्पेस यानी कि u और w जो सबस्पेस है ये दोनों अलग है, ये दोनों सेम नहीं है. ठीक है, तो इन दोनों सबस्पेस का जो डायमेंशन है, तो डायमेंशन ऑफ u और डायमेंशन ऑफ w ये दोनों ही 4 है. ठीक है, अब ये पूछा गया है कि डायमेंशन ऑफ यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू ये कितना होगा. ठीक है, तो हमें पता ही है अगर ये दो सबस्पेस है तो उनका इंटरसेक्शन सबस्पेस तो बनेगा ही,
लेकिन डायरेक्ट कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास प्रेजेंटली कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हम एक फॉर्मूला बना लेते हैं. हमारे पास क्या है, एक फॉर्मूला है डायमेंशन ऑफ यू प्लस वी, सॉरी यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू प्लस डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू माइनस डायमेंशन ऑफ यू इंटरसेक्शन ऑफ, इसको नीचे रख देना, माइनस डायमेंशन ऑफ यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू. ठीक है, तो ये है मेरा फॉर्मूला. तो अब इसको मैं अगर इधर लेके आऊ, इस साइड पे लेके जाऊं, तो मेरे क्या बन जाएगा, ये सिंपल. ओके, अब ये कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास u और v, w का डायमेंशन तो मुझे मालूम ही है, ये तो मेरा बन गया 4 प्लस 4. ठीक है, अब बात आता है इसका, इसके हम क्या करें. एक बात मैं बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, ये u और v, w जो है ये दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट सबस्पेसेस हैं. ठीक है, अब जब ये डिस्टिंक्ट सबस्पेस है तो इनके जो सम होगा ना, बहुत ध्यान से याद रखना इसको, इसका जो सम होगा, जो नया वेक्टर स्पेस बन के आएगा, उसका डायमेंशन चाहे कुछ भी हो, ऑलवेज इनके डायमेंशन से ज्यादा होंगे. यानी कि डायमेंशन ऑफ u प्लस वी, सो u प्लस डब्ल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 4. 4 से तो ग्रेटर होगा ही. अब बात यह है कि डायमेंशन ऑफ v 6 है. अब v तो सबका बात है, क्योंकि ये v, ये u प्लस w भी, ये सब उसका उसी का सबस्पेस है. तो u प्लस w का मैक्सिमम जो डायमेंशन है वो कितना हो सकता है, मैक्सिमम वो 6 पोर्शन हो सकता है. यानी कि 4 से ज्यादा और 6 के इक्वल या फिर 6 से कम. यानी कि डायमेंशन ऑफ u प्लस w ये या तो हो सकता है 5 और या फिर 6. अगर 6 हो गया तो ये u प्लस w ये v के बराबर हो जाएगा और ये डायरेक्ट सम बन जाएगा. ठीक है, लेकिन इससे कम अगर 5 होगा तो एक नॉर्मल एक प्रॉपर सबस्पेस बन के ही रह जाएगा. यानी कि ये है मेरा, इधर 8 है तो एक मेरा होगा जिसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 और एक होगा जिसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 6. तो मेरा आएगा 3 और 2. यानी कि डायमेंशन ऑफ u इंटरसेक्शन w या तो 3 होगा या फिर 2 होगा. ठीक है, तो ये वाला प्रॉब्लम इजी ही प्रॉब्लम था, बस ये समझने का बात है. ओके, और एक बढ़िया चीज इस प्रॉब्लम का यही है कि ये हमें इंटरसेक्शन को, जब भी हम ऐसे ही लिख लेते हैं ना कि ये u और v, u और w है, दोनों ही 4 डायमेंशन के, तो हम सोच ले सकते हैं कि ये कितना बनेगा. ये तो 1, 2, 3 या 4, ये चारों में से कोई एक बन सकता है. लेकिन नहीं, जो यहाँ पे दिख रहा है ये ना तो 4 होगा ना 1 होगा. तो ऐसे कोई वाइल्ड गेस कभी मत लगाया जाए, ऐसे प्रॉपर मेथड से करना ही सही है. ओके, तो ये वाला प्रॉब्लम हो गया. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वन. ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 3A, और ये एक बढ़िया सा प्रॉब्लम है. ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में हमें कहा गया है कि एक मैट्रिक्स मैपिंग है. मैट्रिक्स मैपिंग क्यों, हम पहले भी देखे, जब हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े थे या फिर लीनियर मैपिंग पढ़े थे, वी सॉ कि हम एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम मैट्रिक्स के रूप दे सकते हैं. ठीक है, तो यही बात हो गया. तो वो जो मैट्रिक्स एक्चुअली है वो एक्चुअली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही है. तो यानी कि मैट्रिक्स को हम एक मैपिंग भी कह सकते हैं. ठीक है, तो ये कहा गया है कि एक मैट्रिक्स मैपिंग है R4 से कहां तक ना, R3 तक. ठीक है, यहां तक है. और उसका जो मैट्रिक्स एक्चुअली है वो मैट्रिक्स ये है, 1, 1, 1, 1, 3, फिर इसके बाद 2, 3, 8, 3, 5, 13, 1, -2, -3. ओके, ये रहा मेरा मैट्रिक्स मैपिंग ए. अब इसको कहा गया है कि हमें डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ ए निकालना है और डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ ए निकालना है. यानी कि यह है नलिटी और यह है रैंक. ठीक है, तो इसके लिए एक्चुअली इसके जो बिहाइंड का जो थ्योरी है वो मैं उतना डिटेल में नहीं बताऊंगा. अभी बस मैं
ऐसे ही सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद जो थ्योरी एक्चुअली है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसकी क्योंकि इसका थ्योरी इतना इंटेंस है, इतना अच्छा है, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाना चाहिए, ठीक है। तो करते हैं, तो क्या करते हैं ना, इसका इमेज इमेज स्पेस निकालने के लिए हम सबसे पहले इसका ट्रांसपोज लेते हैं, जो कि मेरा ये बनेगा 1 1 3 2 3 8 3 5 13 1 -2 -3, ओके ये हो गया मेरा ट्रांसपोज। अब क्या करना है, इसको हम इकेलॉन फॉर्म पे लेके जाएंगे, रो रिड्यूस्ड इकेलॉन फॉर्म पे लेके जाएंगे, और इसमें हमें जो जो रो मैट्रिसेस मिला, सॉरी रो वेक्टर्स मिलेंगे, वही रो वेक्टर्स होंगे इमेज स्पेस के, मतलब इमेज स्पेस के बेसिस में जो वेक्टर्स होंगे वही बन जाएंगे, ठीक है। अब उसके नंबर कैलकुलेट करके हम ऑब्वियसली कैलकुलेट कर सकते हैं कि डायमेंशन क्या होगा। तो हम एक ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं कि R2 जो होगा वो 2 into R1 होगा, R3 जो होगा वो 3 into R1 होगा, और R4 जो है वो सीधा तो R1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। नाउ 1 1 3, तो ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, ये 0 बन गया। अब 2 से 2 मल्टीप्लाई करके यहाँ पे तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और ये तो सीधा मल्टीप्लाई होगा -3, ओके। नेक्स्ट इसमें 3 से ये 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट तो 2, 3 से करेंगे तो 4, और ये सीधा ऐड हो जाएगा -6। अब एक ट्रांसफॉर्मेशन और देते हैं हम, उससे क्या होगा ना, हम एक्चुअली दिख ही रहा है इसी के, मतलब इस वेक्टर के नॉर्मल मल्टीपल में ही ये दोनों, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि और एक स्टेप इसमें करने का कोई जरूरत है, फिर भी मैं कर लेता हूं, कर लेता हूं। R3 minus 2 into R2 और R4 minus sorry plus 3 into R2, तो फाइनली क्या आएगा मेरा 1 1 3 0 1 2 0 0 0 0 0, ठीक है। तो यानी कि मेरी इमेज स्पेस में, इमेज स्पेस तो सॉरी इमेज स्पेस का जो मेरा डायमेंशन होगा वो दिख ही रहा है कि 2 होगा, क्यों 2 होगा, क्योंकि उसके बेसिस में जो वेक्टर्स होंगे वो ये दोनों होंगे, यानी कि इमेज स्पेस ये क्या है एक्चुअली, लीनियर स्पैन ऑफ इसका ना 1 1 3 और 0 1 2, ठीक है, ये दोनों स्पैन करेंगे इमेज स्पेस को, तो मेरा जो डायमेंशन है वो 2 हो जाएगा। अब आते हैं कर्नल। अब ये कर्नल के लिए एक चीज मैं सबसे पहले बता दूं, कर्नल क्या होता क्या है। कर्नल ऑफ सम मैपिंग ए इज दोज वेक्टर्स सच दैट ये 0 हो जाए, और ये वेक्टर कहां से आना है, ये इस रे, मतलब जो मेरा रेंज स्पेस है, रेंज से आना है, सॉरी रेंज क्या बोल रहा हूं, जो मेरा प्री इमेज है, मतलब जहां जो मेरा डोमेन है उससे आना है इस बी पॉइंट, ठीक है। मतलब इस R4 के किस एलिमेंट्स, अगर किस एलिमेंट्स को हम अगर मैपिंग के ऊपर चढ़ाए तो वो R3 का 0 देगा, यही हमें ढूंढना है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं इसको। ओहो, मैं एक्चुअल मैट्रिक्स में रख दिया, ये 3 ये 8, ओके। तो मैं मान लेता हूं कि ये V जो है वो X Y Z W, ठीक है। अब मैं कैलकुलेट करूंगा, तो कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले A into V, और इसको मैं कंपेयर करूंगा इस जीरो के साथ, जीरो मैट्रिक्स के साथ। लेकिन हम होमोजीनियस इक्वेशन जब सॉल्व किए हैं तो हमें पता है कि अगर ऐसे फॉर्म पे मैट्रिक्स रहते हैं तो पहले हम उसको इकेलॉन फॉर्म पे या फिर एटलीस्ट थोड़ा सा एलिमिनेशन देके मैट्रिक, मतलब रो रिड्यूस करके हम उसको कुछ मैनेजेबल फॉर्म पे लेके आते हैं, ठीक है। तो चलिए ऐसा करते हैं, तो मेरा जो मैट्रिक्स है A 2 3 1 A 1 5 minus 2 3 8 13 minus 3, इसका हम रो रिडक्शन दे रहे हैं, ठीक है। तो R2 minus R1 और R3 minus 3 R1, ओके। तो ये फाइनली बनेगा, ये तो 0 0, अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा 1 और ये बन जाएगा 2, ये 3 के नीचे ये बनेगा 2
और नेक्स्ट वाला बनेगा 4, ये बनेगा 1 के नीचे माइनस 3 और ये माइनस 6, ओके। अब इसके बाद दिख ही रहा है, अगर इससे इस थर्ड रो से हम सेकेंड रो के 2 मल्टीपल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये सीधा नीचे 0 बन जाएगा। तो मैं एक ही स्टेप में इसको एक स्टेप में करूं क्या, कर देता हूं, क्या जाता है, तो ये पूरा का पूरा एकदम 0 0 0 बन गया, ठीक है। तो अब मेरा रहता है कौन, ये। अब मैं जब इस मैट्रिक्स के साथ इस वेक्टर को मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो क्या आएगा मेरा, मेरा कुछ ऐसा आएगा, x प्लस 2y प्लस 3z प्लस w और नेक्स्ट आएगा y प्लस 2z माइनस 3w और फिर नीचे 0 और ये इक्वल होगा 0 0 0 के साथ। तो ये जब इक्वल होगा तो हम इक्वेट करते हैं और हमें दो इक्वेशंस मिलेंगे। तो इक्वेशंस क्या है, मैं थोड़ा आलसी हूं तो ऐसे करना होगा, कॉमन और एक स्टेप लिखे, ओके। तो ये चीज यहां पे हम देख सकते हैं कि अगर अगर मेरा यहां से ना 4 वेरिएबल वाला है, इसमें मेरा 3 वेरिएबल है इस सेकंड इक्वेशन में, हमें एटलीस्ट 2 के लिए पर्टिकुलर कुछ वैल्यू पुट करना पड़ेगा, अदरवाइज हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो मैं पुट कर रहा हूं z = c1 w = c2, ठीक है। अब जब मैंने पुट कर लिया तो y का वैल्यू हो गया -2c1 + 3c2, इसको हम यहां पे पुट कर देते हैं तो x का वैल्यू बन जाएगा -2 × y का वैल्यू, फिर -2c1 + 3c2, फिर z और w का वैल्यू, तो ये 3c1 सॉरी ये माइनस आएगा -c2, ठीक है। तो ये 4c1 - 6c2 - 3c1 और ये -c2, यानी कि c1 - 7c2, ये हो गया मेरा x का वैल्यू। तो अब जब मेरा x और y का वैल्यू मिल गया है तो मेरा जो मैट्रिक्स एक्चुअली है, मेरे v मैट्रिक्स जो है, मतलब वेक्टर जो है zw, ये जो है इसका ट्रांसपोज लिख रहा हूं मैं, क्योंकि एक्चुअली कॉलम पे लिखा था ना मैं, तो इसके लिए इसका ट्रांसपोज लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये जो एक्चुअली, फिर मैं वेक्टर फॉर्म पे ऐसे लिख दू, ऐसे मैं अगर लिख दूंगा ना ऐसे कॉमा देके, तो ये वही मीन करेगा, ठीक है। अब मेरा एक्स क्या है, c1 - 7c2, वाई क्या है, -2c1 + 3c2, z तो मेरा c1 और w मेरा c2, ठीक है। नाउ कितना आ रहा है मेरा, यहां से c1 कॉमन लूंगा तो 1 - 2, फिर 1 - 0 प्लस c2 कॉमन लूंगा तो यहां से -7 3 0 1। तो जो मेरा कर्नल ऑफ a है उसमें ये और ये वेक्टर रहेंगे, और या फिर देखिए मेरा नलिटी जो है, या फिर मेरा जो नल स्पेस के डायमेंशन है, या फिर कर्नल ऑफ ए के डायमेंशन है, वो 2 हो गया, ठीक है। तो आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, इसलिए एक प्रॉब्लम में कई सारी चीजें यहाँ पे आ गया, ओके। अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि ये बोला गया है कि प्रूफ दैट डिस्टिंक्ट नॉन जीरो आइगन वेक्टर्स ऑफ ए मैट्रिक्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ओके। डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर्स यानी कि डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर्स है एक मैट्रिक्स के लिए जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, यानी कि अगर कोई वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होने का मतलब यह है कि अगर v1 से लेकर vn तक में मैं वेक्टर्स से, और अगर मैं c1 v1 + c2 v2 + cn vn ऐसा करके मैं अगर लिख के 0 के साथ इक्वेट करूं तो मेरा c1 = c2 = cn = 0 होना चाहिए, यानी कि सारे जो कॉन्स्टेंट है उनको अगर 0 ही हम मल्टीप्लाई करें
तब ये सिर्फ मेरा जीरो मिल सकता है. इस केस में हम इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट कहेंगे. ठीक है, अब क्या है ना, इस प्रूफ के लिए सबसे मैं इस प्रूफ को लिख के करूंगा. ठीक है, बहुत अच्छे से लिख के ही करूंगा इस प्रूफ को. सबसे पहले मेरा क्या है, हम एज्यूम करते हैं कि कोई एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है. ओके, लेट देयर बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, या फिर मैं कुछ और कर सकता हूं इसमें. ठीक है, ऐसे ही करता हूं. या फिर मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ना लिख के मैं एक मैट्रिक्स से करता हूं. ठीक है, क्योंकि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और मैट्रिक्स तो सेम बात ही होगा, लेकिन फिर मैं मैट्रिक्स से करता हूं. लेट देयर बी मैट्रिक्स ए. ओके, लैम्डा वन लैम्डा टू डॉट डॉट अप टू लैम्डा एन आर आइगन वैल्यूज. ओके, लैम्डा एन तक इसका आइगन वैल्यू. तो इफ वी वन वी टू डॉट डॉट वी एन आर आइगन वेक्टर्स, देन इट विल इंप्लाई A Vi is equal to lambda I into Vi, where I lies between 1 to n. ठीक है, अच्छा lambda 1 की corresponding जो मेरा आइगन वेक्टर है वो वी वन, लैमडा टू के वी टू, लैमडा एन के वी एन. ठीक है, ओके. तो हमें ये प्रूव करना है कि मेरा ये जो आइगन वेक्टर्स का सेट है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है. ठीक है, मुझे ये प्रूव करना है. तो इसे प्रूव करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं अज्यूम करता हूं कि ये नहीं है. मतलब ये मैं जो इस सेट के मैं नाम भी दे देता हूं, इसको मैं वी नाम देता हूं. ठीक है, मैं अज्यूम करता हूं कि वी इज नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये मैं मान लेता हूं. ठीक है, अब एक बात ये है कि ये सारे जो आइगन वेक्टर्स है ये डिस्टिंक्ट है. ओके, अब अगर ऐसा होता है तो अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट ना हो, ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि v1 v2 vr कुछ एक है, ये जो सेट है ना, मतलब vr तक के जो वेक्टर्स हैं, इनको अगर मैं इकट्ठा करूं तो वो सबसे छोटा मेरा सेट है जो कि मेरा लीनियरली इंडिपेंडेंट है, सॉरी लीनियरली डिपेंडेंट है. ओके, ये मेरा लीनियरली डिपेंडेंट है. ओके, अब अगर ये मेरा लीनियरली डिपेंडेंट है तो मैं इसे क्या कर सकता हूं, वी वन को ना, वी वन को मैं सीधा कोई कॉन्स्टेंट मानिए सी वन सी टू वी टू प्लस सी थ्री वी थ्री प्लस डॉट प्लस सी आर वी आर ऐसा करके मैं लिख सकता हूं. ठीक है, तो इसको ऐसा ही रहने देते हैं. ओके, लेकिन इसमें मैं और एक काम करता हूं, सॉरी इसमें मैं ना सारे के सारे के साथ सारे जो यहां पे टर्म्स है उनके साथ ए मल्टीप्लाई कर देता हूं. मैं ये जो ए मैट्रिक्स है मल्टीप्लाई कर देता हूं. तो ए वी वन, अच्छा इसको एक मैं नाम देता हूं वन, ए वी वन सी टू इंटू ए वी टू प्लस डॉट डॉट प्लस सी आर ए वी आर. ठीक है, ये हो गया. अभी मैंने दिखाया हूं कि इसका वैल्यू ये बनेगा. ठीक है, तो इसको मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं, क्या होगा, लैम्डा वन वी वन सी टू इंटू लैम्डा टू वी टू प्लस डॉट 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 सी आर इंटू लैम्डा आर वी आर. ठीक है, ओके, ऐसा करके यहां तक पहुंच के मैं छोड़ रहा हूं, इसको मैं नंबर टू दे देता हूं. ठीक है, अब मैं एक काम करूंगा इसके साथ ना, इसको इक्वेट करूंगा. तो मुझे क्या करना है, लैम्डा वन से मल्टीप्लाई करना है, तो सबके साथ लैम्डा वन आ जाएगा, सबके साथ लैम्डा वन आ जाएगा. ठीक है, अगर ऐसा आ जाता है तो इसके बाद मैं अगर वन से टू को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा ना, अब सब्ट्रैक्ट करके मैं बीच में लिख रहा हूं, दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट करके मैं बीच में लिख रहा हूं, ये तो मेरा जीरो हो गया.
लेकिन ये क्या बनेगा सी टू दोनों में है सी टू लेकिन लैम्डा वन माइनस लैम्डा टू इंटू वी टू प्लस डॉट 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 करके यहाँ पे लैम्डा वन माइनस लैम्डा आर इंटू सी आर वी आर ये हो गया. अब ये जीरो आ रहा है मेरा ठीक. अब अगर ये जीरो आता है लेकिन ये लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा वन लैम्डा थ्री लैम्डा वन लैम्डा फोर लैम्डा वन लैम्डा आर ये सारे के सारे अलग है मतलब लैम्डा वन के साथ कोई और एक लैम्डा टू या लैम्डा थ्री या लैम्डा फोर इक्वल नहीं होंगे तो मेरा ये तो जीरो नहीं हो सकता. तो जीरो अगर किसी को होना है तो ये सी टू से शुरू करके सी आर तक जो है इन्हीं को जीरो होना चाहिए. यानी कि फाइनली मेरा जो आ रहा है यहां से कंक्लूशन वो यही है कि मेरा सी टू से लेके सी आर तक सबके सब जीरो है. जहां की मैंने एज्यूम कर लिया था ये मेरा जो सेट है ये क्या है ना ये लिनियरली डिपेंडेंट है लेकिन ये बन रहा है क्या लिनियरली इंडिपेंडेंट. देन वी आर कमिंग एट ए कंट्रडिक्शन. यानी कि मेरा पहले वाला जो एज्यूम था वी इज नॉट दिस वी इज नॉट लिनियरली इंडिपेंडेंट ये गलत था. तो एक्चुअली वी इज लिनियरली इंडिपेंडेंट हेंस रूट. ओके अब आते हैं लास्ट प्रॉब्लम पे मतलब 2007 के लास्ट लीनियर अलजेब्रा के प्रॉब्लम पे वो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4.B. तो इसका हमें एक सिस्टम दिया गया है थ्री इक्वेशन थ्री वेरिएबल वाला सिस्टम. ये है x प्लस टू वाई प्लस टू जेड इक्वल टू वन एक्स प्लस ए वाई प्लस थ्री जेड इक्वल टू थ्री x प्लस 11y प्लस az इक्वल टू b. ओके यानी कि मेरा दो अननोन है a और b. अब क्या पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन ये है फॉर व्हिच वैल्यूज a डज द फॉर व्हिच वैल्यूज ऑफ a डज द सिस्टम हैव अ यूनिक सॉल्यूशन. यानी कि किस किस वैल्यू के एक एक किस वैल्यू के वजह से ये जो सिस्टम है इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा. अब हमें क्रैमर्स रूल से पता है इसके यूनिक सॉल्यूशन होने का मतलब क्या है. Determinant of this coefficient matrix should be not equal to zero. Okay? तो चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं. सबसे पहले 1, 2, 2, 1, A, 3, 1, 11, A. Okay? ये रहा मेरा main determinant. Okay? तो हम यहाँ पे 2, 2 है ना तो इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले मैं एक थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखे मतलब सेकेंड रो से थर्ड को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ. ठीक है तो ये मेरा बनेगा जीरो ये बनेगा ये माइनस थ्री ये बनेगा इलेवन माइनस ए. हो गया ये टू थ्री ए जैसा था वैसा ही रह गया. अब एक्सपेंड करते हैं फर्स्ट रो के एस्पेक्ट में तो ये होगा मेरा स्क्वायर माइनस थ्री ए माइनस ऑफ 33 प्लस थ्री ए. ओके अब इसको कैलकुलेट करते हैं टू इंटू ये इलेवन माइनस वन ए और ये माइनस ऑफ ए प्लस थ्री. तो फाइनली ये बन रहे हैं ए स्क्वायर ये दोनों कैंसिल आउट माइनस ये माइनस 33 था लेकिन यहाँ पे 11 और 3 14 बनेगा ये 28 बनेगा तो ये माइनस 5 बन जाएगा और ये होगा माइनस ए 2a तो 4a माइनस 4a माइनस 5. ओके अब इसको कैलकुलेट करते हैं. सो अच्छा ये नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए हमें ये दिखाना मतलब ये ढूंढना है. तो ये स्क्वायर माइनस हम इसको कैलकुलेट करते हैं 4a माइनस ए माइनस 5 सो ये बनेगा a माइनस 4 माइनस वन अगर लेते हैं तो a माइनस 5 दैट इज a माइनस 4 और a प्लस 1. ओके तो अगर मेरा वैल्यूज ऐसे आता है कि ये एक सेकेंड माइनस फोर ए और ये वन ये क्या हो रहा है कुछ गलत हो गया माइनस फोर ए माइनस फोर ए तो फाइव हो रहा है तो ये फोर और यहाँ पे वन का बन लगे ये फाइव सॉरी ये तो फाइव होना चाहिए ये मैं क्या कर रहा हूँ. ओके तो ए का वैल्यू अगर फाइव और माइनस वन होता है तो ये डिटरमिनेंट जो होगा वो जीरो हो जाएगा. तब क्या होगा ना मेरा सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा. अब
नहीं गलत बोल रहा हूँ, सोल्यूशन या तो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो a इक्वल टू 5 और माइनस 1, अब a के वैल्यूज अगर 5 और माइनस 1 ना हो तो ये डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा और जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसका यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट मेरा हो गया। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। अब सेकेंड पार्ट में क्या पूछना है कि फॉर विच पेयर ऑफ वैल्यूज AB डज द सिस्टम हैव मोर देन वन सोल्यूशन। अब मोर देन वन सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमको किसका हेल्प करना पड़ेगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का। वो क्या है, जो मेरा नॉर्मल कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जो था वो तो है ही। अब A के वैल्यू में सबसे पहले 5 पुट करके करता हूं, ठीक है। मैं इस केस के लिए करता हूं जहां पे मेरा सोल्यूशन ना हो सकता है या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकता है, जो कि मेरा डिटरमिनेंट जीरो वाला केस है, यानी कि जब a 5 या फिर माइनस 1 होगा। तो उन दोनों केसेस में से मैं 5 को उठा के सबसे पहले करता हूं, 5 3 1 11 5। अब ये मेरा जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है उसमें मैं 4 टिक कलम बनाता हूं, उसमें ये जो मेरा राइट हैंड साइड में जो होते हैं ना कॉन्स्टेंट वैल्यूज उसको हम पुट करते हैं यहाँ पे, तो 1 3 3। और अगर क्या होता है इस मैट्रिक्स का अगर जो रैंक है वो ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के रैंक के साथ बराबर हो जाए तो मैं क्या कहता हूं कि ये सिस्टम जो है ये कंसिस्टेंट है, और कंसिस्टेंट होने का मतलब क्या है, सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट करते हैं। अब क्या करूंगा, मैं इसका रैंक निकालूंगा। रैंक निकालने के लिए क्या, वही रो ऑपरेशंस। सो रो ऑपरेशन अगर करना हो तो मैं R3 से R1 और R2 से R1 सब्ट्रैक्ट करूंगा, ठीक है। तो ये 2 2 1, ओके 0 0, ये 3, ये 9, अब ये 2 के बाद ये 1 और ये भी 1। तो मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, ये तो 3 ही बनेगा, ठीक है। अब ये 1, ये 3 है, ये b है, तो ये बनेगा 2 और ये लास्ट वाला जो मैं इसे नीचे लिख रहा हूं ये b माइनस 1 बनेगा, ओके। और एक स्टेप में करता हूं, जिस स्टेप में R1 को ऐसे रहने दो, R3 माइनस 3 इंटू R2, यानी कि 1 2 2 1, 0 3 1 2 0 0 0, b माइनस ये 1 है, इसके साथ हम 3 मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यानी कि b माइनस 7 हो जाएगा। अब मेरा जो एक्चुअल कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का मैं ये उस केस ले रहा हूं जब डिटरमिनेंट 0 होता है। अब जब 0 हो रहा है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, यानी कि इसका रैंक लेस देन 3 है, ओके। अब लेस देन 3 है तो कितना है वो भी हम यहीं से निकाल सकते हैं। इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, बाकी इतना देखो तो दिख ही रहा है कि इसका इकेलोन फॉर्म, अगर इकेलोन फॉर्म तो आ ही जाएगा ना, से 2 है उसका नॉन जीरो रो, यानी कि जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है। मैं फिर बताता हूं, इतना जो है ये तो मेरा ओरिजिनल मैट्रिक्स था, बस इसको ऐड किया हूं तो फाइनली मेरा जो है इसका जो रैंक है वो 2 है, ठीक है। जो ओरिजिनल मैट्रिक्स का रैंक है वो 2 है। अब अगर b का वैल्यू b-7 इक्वल टू 0 हो जाए, यानी कि b का वैल्यू 7 हो जाए, तो ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स थे इसका भी रैंक बन जाएगा 2। अब जब इसका रैंक बन जाएगा 2 और मेरा, यानी कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम ऐसे लिखते हैं a बार ऐसे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा रैंक ऑफ a दैट इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, यानी कि सिस्टम मेरा कंसिस्टेंट बनेगा, यानी इस केस में मेरा सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, मोर देन वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। सिमिलर वे पे -1 के वैल्यू a के जगह पे पुट किया जाए और उससे देखा जाए कि ये क्या होता है, दैट इज लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज, ओके। तो ये था पहला वीडियो, दूसरा वीडियो लिनियर अलजेब्रा के ऊपर। ऐसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करते हुए 2012 तक जाऊंगा, ठीक है, फिर मैं रियल एनालिसिस शुरू करूंगा। अब रियल एनालिसिस के खत्म होते ही मैं सीधा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, फिर अप्लाइड के जो पोर्शन है, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन,
और जो और कुछ पोर्शन है जो फ्लूइड के पोर्शन होते हैं मैकेनिक्स मैकेनिक्स के पोर्शन होते हैं उसमें मैं आ जाऊंगा, ठीक है। तो बताना कि ये वीडियो कैसा लगा, सॉल्यूशंस काम के आ रहे हैं कि नहीं ये भी बताना, और कुछ अगर चाहिए हो तो मुझे वो तो जरूर बताना कि कुछ अगर और चाहिए हो मेरे वीडियोस से, मैं ऐसे वीडियोस बनाते रहूंगा ऑलवेज आफ्टर ऑल दिस टाइम ऑलवेज ऐसे करके। ओके सो गाइस प्लीज प्रैक्टिस दिस थिंग, और मैं जो पहले भी बता चुका हूँ आज भी बोल रहा हूँ, मेरे वीडियोस देख लिया करो, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही एटलीस्ट सॉल्व करो, और इसके बाद जैसे ही मैं क्वेश्चन सॉल्व करना खत्म कर दूंगा फिर अकॉर्डिंग टू योर डाउट्स मैं थ्योरी भी समझाऊंगा, और उसके बाद मैं अपना प्रॉब्लम सेट भी डाल दूंगा, उससे भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, कुछ कुछ एज एन एक्सरसाइज छोड़ दूंगा। तो आई थिंक मेरे लेक्चर्स अगर कोई देखते रहे, ओके तो मैं ये बताता हूं कि आउट ऑफ 500 400 तक पहुंचना उतना भी मुश्किल नहीं होगा, ओके एंड सेइंग इट विद 80% श्योरिटी, क्योंकि 20% मैं छोड़ रहा हूं स्टूडेंट कितना मतलब कोई एस्पिरेंट कितना टाइम दे रहा है इसके ऊपर, क्वेश्चन सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्विंग इसके ऊपर कितना टाइम दे रहा है, कितना थ्योरी को समझ रहा है इसके ऊपर। सो आई होप यू गाइस हैव एंजॉयड इट, डू लाइक इट, शेयर अमंग योर फ्रेंड्स एंड एनिमीज, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल, ओके डू योर बेस्ट, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।